राजस्थान के भीलवाड़ा में गोल्ड तस्कर के तथाकथित वायरल ऑडियो ने सियासत में तहलका मचा दिया है। वायरल ऑडियो में एक शख्स ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का सोने के अवैध कारोबार में पार्टनर होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, इस वायरल ऑडियो में उस शख्स ने भीलवाड़ा यूआईटी की खाली पड़ी चेयरमैन सीट पर भी खुद के चेयरमैन बनने का भी दावा किया है। ऑडियो के भीलवाड़ा सहित राजस्थान के कई सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल होने के बाद राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया है। भीलवाड़ा कांग्रेस के महासचिव उस्मान पठान ने तत्काल इस मामले से आला नेताओं को अवगत कराया और मामले में भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक और भीलवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस का दावा है कि ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज शहर के तथाकथित समाजसेवी डॉक्टर नितेश बंसल की है। शिकायत के बाद कलेक्टर और एसपी ने इस तथाकथित ऑडियो की जांच करवाने की बात कही है। हालांकि एसपीएन 9 न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भीलवाड़ा कांग्रेस के महासचिव उस्मान पठान की ओर से कलेक्टर एसपी को दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आरोपी भीलवाड़ा वैभव नगर निवासी नितेश बंसल ने सामने वाले शख्स को यह भी कहा कि यूआईटी की सीट के 40 से 50 करोड़ रुपए लगेंगे, उसकी सेटिंग है, वो उसे यूआईटी का चेयरमैन बनवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।